हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 7 कार्ड्स एंड विल्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सन। तो नसीब ऑफ कार्ड्स एंड द विल्स इज राउंड, है ना। कार्ड और विल का शेप कैसा होता है? राउंड शेप का होता है। तो ऐसे हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिसका शेप कैसा होगा? राउंड शेप का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चपाती, चपाती जो हम खाते हैं, या फिर कार्ड का पहिया, जो गाड़ी का पहिया हो गया वो भी राउंड शेप का होता है, या फिर क्वाइन हो गया, बैंगल्स हो गए, ये सब भी राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। तो सर्कल क्या है? ये सभी सर्कल शेप के होंगे। सर्कल क्या है? तो सर्कल एक ज्योमेट्रिक फिगर है जिसका कोई भी एजेस नहीं होता, ना ही कॉर्नर्स होते हैं। और ये तो सर्कल जो है पॉलीगॉन भी नहीं होगा, क्योंकि सर्कल कर्व लाइन से बनता है, ठीक है। कर्व लाइन से बनता है, इसलिए हम लोग सर्कल को पॉलीगॉन्स भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सर्कल के बारे में सारे डिटेल्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो नाउ लेट्स सी पेज नंबर 81, व्हाट इज रिटन देयर। हे सी हाउ बिग दिस व्हेल इज, आई हैव नेवर सीन अ व्हेल लाइक दिस। मैं इस तरह का व्हेल कभी भी इससे पहले कभी नहीं देखा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, यू मस्ट हैव सीन मेनी सच राउंड थिंग्स अराउंड। आप भी अपने आसपास अपने चारों ओर बहुत सारी ऐसी चीजें देखे होंगे जो कि राउंड शेप का होता है, ठीक है। तो लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक, ऐसी चीजों के बारे में आपको लिखना है जो कि राउंड शेप का होगा। लिस्ट प्रिपेयर करना है आपको अपने नोटबुक में, जैसे टायर्स ऑफ ट्रैक्टर, टायर ट्रैक्टर का टायर जो होगा, टायर्स ऑफ ट्रैक्टर आप लिस्ट प्रिपेयर करोगे। या फिर हो गया टायर्स ऑफ बस, ठीक है, टायर्स ऑफ बस, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स में सिग्नल जो होगा वो भी राउंड शेप का होगा, ट्रैफिक सिग्नल हो गया। या फिर लिख सकते हो पॉइंट, लिख सकते हो बैंगल, लिख सकते हो चपाती, लिख सकते हो और क्या लिख सकते हैं हम लोग चपाती के बाद लिख सकते हैं बॉटल कैप, इस तरह से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिस्ट प्रिपेयर करोगे वैसी चीजों का जो कि राउंड शेप का होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पेज पेज नंबर 82 एंड टॉपिक इज राउंड बैंगल। तो राउंड बैंगल जो आपकी मम्मा जो है चूड़ियाँ पहनती है, या फिर आपके सिस्टर्स चूड़ी पहनते हैं, उन सभी का साइज अलग होता है ना। बैंगल्स भी डिफरेंट साइज के होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर गोन टू अ बैंगल शॉप? क्या आपने पहले कभी बैंगल शॉप गए हैं? आप सभी बैंगल शॉप क्या पहले कभी गए हैं? तो यू हैव टू बैंगल, तो क्या लिखोगे आप? क्योंकि स्टैंडर्ड फोर के छोटे से बच्चे हो तो आप कभी अकेले मार्केट नहीं गए होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ ही गए होंगे, मम्मा के साथ गए होंगे बैंगल शॉप में। तो क्या लिखोगे? यस आई वेंट टू अ बैंगल शॉप, बैंगल शॉप विद माय मॉम, विथ माई मॉम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेस विच ऑफ दिस बैंगल्स ऑफ योर साइज। आपके भी स्टैंडर्ड फोर के बच्चे हो तो स्टैंडर्ड फोर की जो भी गर्ल्स होंगी उनका बैंगल्स कैसा होगा, छोटे साइज का होगा। तो आप क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट वन, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होगा ना, स्मॉलेस्ट बैंगल, देख सकते हो।
Now move to next question. Okay. Now next question is, take a bio and make a banner for yourself. Can a madam or mother wear this long? आपके यहाँ पे एक फायर से एक बैनर बनाओगे और क्या उस बैनर को आपके मैडम या फिर आपके मदर उस बैनर को वेयर करती है या नहीं? तो ऑफकोर्स पहनेंगे आप यहाँ से बनाओगे तो ठीक है. तो आप क्या करोगे इसका आंसर क्या होगी? आई मेड अ बैनर by wrapping it round by wrapping it around a pile. अगर वायर से बनाओगे तो वायर नहीं होंगे, अगर पाइप भी यूज करोगे तो पाइप मिल सकते हो. इट राउंड अराउंड अ पाइप इट्स आई शो these two features. अगर आप टीचर को दिखा रहे हो तो टीचर लिखोगे, अगर मम्मा को दिखा रहे हो तो मदर लिखोगे. ठीक है, टीचर सी कैन नॉट वेयर दिस, सी कैन नॉट वेयर दिस. अब देखिए उस बैनर को आप अपने मम्मा को दिखाते हो लेकिन वो उसको पहनती नहीं है, तो आप ऐसा लगता है अगर उन्होंने पहन लिया तो उनको सीवियर दिस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैनर कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल. व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल. तो हम एक बैनर को यूज करते हैं यूजुअली सर्कल को ट्रेस करने के लिए, वैसे शेप बनाने के लिए. तो ऐसा आप कौन कौन सा चीज है जिसको आप यूज करोगे सर्कल बनाने के लिए? तो व्हाट वी विल राइट, और लिख सकते हैं क्वाइन हो सकता है, बॉटल कैप हो सकता है, प्लेट्स भी हो सकते हैं एटसेट्रा, ऐसी और भी चीजें आप लिख सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दिस थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड. आप क्या करोगे, कुछ सर्कल ट्रेस करोगे कुछ चीज़ों की हेल्प से, या फिर ग्राउंड पे या फिर अपने नोटबुक. तो आप नोटबुक पे ट्राई करोगे. लिखा है कि विच थिंग्स मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल, किस चीज की हेल्प से स्मॉलेस्ट सर्कल बना रहे हो. तो हम क्या लिखेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और लिख देंगे क्वाइल. ठीक है, क्वाइल से स्मॉलेस्ट सर्कल बना रहे हैं. तो सर्कल में यूजिंग अ क्वाइल, सर्कल में यूजिंग अ क्वाइल. ठीक है, इसे हमने स्मॉलेस्ट सर्कल बना दिए. इसका आंसर विच थिंग मेक्स द बिगेस्ट सर्कल, बिगेस्ट सर्कल के लिए आप कौन सी चीज़ों का यूज करोगे. सपोज ग्लास का यूज किए या फिर बैनर का यूज किए. ठीक है, तो बैनर का अगर यूज कर रहे हैं तो बैनर लिखेंगे, अगर ग्लास का यूज कर रहे हैं तो ग्लास लिखेंगे. यहाँ पर लिख देंगे सर्कल मेड यूजिंग अ ग्लास, सर्कल मेड यूजिंग अ ग्लास. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा. Now, thank you students.